युवाओं को राजनीति में आकर राजनीति को एक नया आयाम देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि देश की राजनीति में युवा चेहरे जितने ज्यादा होंगे उतनी देश की राजनीति मजबूत होगी और राजनीति में परिवर्तन भी आएगा। परिवारवाद को लेकर लगातार प्रधानमंत्री उन तमाम राजनीतिक दलों पर प्रहार करते हैं जिन राजनीतिक दलों में आज भी परिवार तय करते हैं कौन किस कुर्सी पर बैठेगा और किसको कौन सी पदवी, किसको कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी परिवर्तन आ रहा है और बड़े सारे युवा चेहरे राजनीति में उतर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में उनके लिए भी जगह बने। इन्हीं में एक चेहरा है एडवोकेट उमा कपाही, मेरे साथ बैठी हुई हैं। ये इस समय मीडिया सचिव हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जम्मू में, चूँकि वेस्ट ईस्ट इन्होंने बांटा हुआ है तो एक वेस्ट में ये इस वक्त मीडिया सेक्रेटरी हैं, तो मेरे साथ इस समय हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें अच्छी खासी वकालत चल रही थी, ये राजनीति में आने का इनको क्या पड़ी इनको राजनीति में आने के लिए। तो उमा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप राजनीति में कितने साल से सक्रिय हैं और कहाँ कहाँ काम कर रही हैं? सर, पहले तो मैं लीगल सेल में थी, तो लीगल सेल में ऐसा कोई काम होता नहीं है, बट मुझे एक एक्टिव लीडर बन के, आप बोलो एक्टिविस्ट बन के काम करना था। तो मैंने फिर बात की थी और फिर मैं जैसे आर्टिकल्स लिखती हूँ और वेरियस वुमेन राइट्स की बात करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे दायित्व दे दिया मीडिया सेक्रेटरी का कि मैं वहाँ पर अच्छे से लिख सकूँ। तो मेरा ये मकसद था पॉलिटिक्स में आने का कि जैसे नए चेहरे चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो बोलते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता है, हमारी कोई सुनता नहीं है, तो हम किसको वोट दें। तो मेरा ये मकसद था कि एक रिफॉर्म, एक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो शायद पता नहीं कितने चेहरे बीच पे जुड़ें जिनमें कैपेसिटी भी हो और जो चाहते भी हैं कुछ चेंजेस लाना सोसाइटी। तो आप अभी मीडिया सचिव हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं इसमें मीडिया सचिव हूँ जिसमें मैं सारा मीडिया का देखती हूँ कि कौन से कब क्या इवेंट्स हो रहे हैं और उस पर मैं लिखती भी हूँ और उस पर मैं बात भी करती हूँ। अच्छा, तो जैसे आप लिखती भी हैं, बात भी करती हैं, तो आप खुद भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या पिता के कारण आपकी राजनीति में एंट्री जो है वो आसान हुई या मुश्किल? शायद उनकी वजह से थोड़ी सी आसान हुई होगी, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है पार्टी के लिए भी और पार्टी का एक मेंबर बन के, तो एंट्री तो उतनी आसान नहीं हो पाती, बहुत सारी हर्डल्स हमें देखनी पड़ती है और आपके काम के ऊपर ही देख के आपको एंट्री दी जाती है और आपको पोजीशन दी जाती है ताकि आप काम कर सको, नहीं तो पहले तो आपको एक कार्यकर्ता होने के नाते ही काम करना पड़ता है और हम आज भी कार्यकर्ता ही हैं। यानी आपके लिए आसानी ये होगी कि पिता के कारण आप पार्टी में गई, लेकिन अब पार्टी में आपको मेहनत करनी पड़ रही है अपना वर्चस्व बनाने के लिए। हाँ, पार्टी में तो मेहनत करनी पड़ रही है कि अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो ही हम काम कर पाएंगे, अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे। कितना टाइम हो गया आपको बीजेपी में? अभी तो 2 साल तो हो ही गए हैं, मतलब एज अ लीगल सेल में अगर देखा जाए तो 2 साल और अभी मीडिया के सचिव बने हुए तो अभी कुछ समय ही हुआ है, तो उतना शायद बोलते हैं कि शायद लड़की है अभी तो शायद नहीं आई तो इसको उतना काम नहीं आता होगा। मुझे लगता है अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो हर कोई बंदा काम कर सकता है और शायद अच्छा भी काम कर सकता हो और लॉरेल्स भी ला सकता हो पार्टी के लिए। क्या अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप, ये मिल जाए तो मैं अपने आप को साबित कर दूं कि मैं एक काबिल राजनेता हूं या मुझे भी राजनीति की समझ है? सर, मुझे तो जो काम करना है वो इसलिए करना है ताकि लोगों की जो आवाज़ बनकर लोगों के काम किया जाए, क्योंकि जब पॉलिटिक्स की बात आती है लोग बोलते हैं हम वोट क्यों दें, हम किस पार्टी को वोट दें, हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा, हमें विश्वास ही उठ चुका है पॉलिटिक्स से। तो मुझे लगता है कि कोई पोजीशन नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी मिली जाए ताकि मैं लोगों का काम कर सकूं और लोगों की दुआएं भी मिलती हैं और लोगों को थोड़ा विश्वास भी बनता है पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए, और लोग फिर वोट भी देते हैं। और अगर हम बात करें तो अगर हम काम करेंगे और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। जैसे आपने कहा देश आगे बढ़ सकता है, पीछे आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि अब गुनहगार को डर और खौफ में रहना है क्योंकि नई जो व्यवस्था आने वाली है, नया जो पिनल कोड आने जा रहा है उसमें इतने ऐसी धाराएं हैं जिनके चलते गुनहगार गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये बात जब आप करती हैं तो इस बात को करते वक्त आपके जहन में क्या चीज़ थी कि मतलब ये जो आपने कहा किस आधार पर आप ये कह रही हैं? देखिए सर, कोई भी अगर ऑफेंस कमिट करना हो हमें तो हमें उसके बारे में 100 बार या 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी रेप्लिकेशंस होती हैं, उसकी पनिशमेंट्स होती हैं।
मुझे लगता था कि जो इतने सारे केसेस हुए हैं ना, जिसमें शायद जस्टिस जो है स्पीडी से नहीं मिल पाया है, या डिनाई हुआ है, या किसी भी कारण जो गुनहगार है उनको भी सज़ा नहीं मिल पाई, या जो विक्टिम है उनको भी इंसाफ जल्दी नहीं मिल पाया, तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि शायद जुडिशरी जो है हमें इंसाफ नहीं दे पा रही है, तो हम क्या करेंगे। तो हमारे जो ये लॉज थे ये पिछले कॉलोनियल पीरियड से चलते हुए आ रहे थे, जो ब्रिटिश एरिया के थे। अब हमें स्वतंत्रता मिले हुए भी कितने साल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो लॉज थे ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे 50 साल की शायद कंडीशंस को देखते हुए, या 50 साल में क्या क्राइम होगा या क्या क्राइम रेट होगा उसके हिसाब से उन्होंने बनाए होंगे। अब साइबर क्राइम की बात की जाए, वो उस टाइम तो नहीं था पर आज तो है, तो उसका प्रोविजन आज ही लाया गया है। वैसे जैसे क्राइम हमारा बढ़ता जा रहा है, उसकी नेचर बदलती जा रही है, उसका तरीका बदलता जा रहा है, वैसे मुझे लगता है अगर हम सज़ा भी उसकी बढ़ाते हैं ना, या उसकी रेप्लिकेशंस भी बढ़ाते हैं ना, तो जो गुनहगार होता वो क्राइम करने से पहले हज़ार बार क्या करोड़ बार सोचता कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे पूरी ज़िंदगी। यानी आप आश्वस्त हैं इस चीज़ से कि जो नई कानून व्यवस्था आने जा रही है उससे इतना परिवर्तन आ जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि सर पहले तो अगर हम रेप की बात करें तो रेप में क्या होता था कि अगर गुनहगार का ऑफेंस प्रूफ भी हो गया हुआ है तब भी सज़ा 7 साल की होती होगी, अब तो उम्र कैद की सज़ा है, तो कौन। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि जब आप कोई भी ऐसा कानून, जो कानून महिलाओं को संरक्षण देने के लिए आता है, कानून आना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जहाँ इस कानून में 90% लोगों को कानून संरक्षण देता है, वहीं पर 10% ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिन मामलों में संरक्षण की बजाय महिलाएं कानून का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सकें, या उनका किसी के साथ झगड़ा है, लड़ाई है, उस झगड़े और लड़ाई में वो जानते कानून उनके पक्ष में है तो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? और ये जो नए कानून हैं, क्या इनमें कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके चलते कम से कम इस चीज़ को भी रोका जा सके कि भाई ठीक है, कानून जहाँ काम अपना कर रहा है वहीं पर कानून में कम से कम इस तरह की धाराएं भी हों कि अगर आपने गलत बयानी कहीं पर की, आपने बयान गलत दिया, अपना झूठा मुकदमा बनाया है कुछ, तो सज़ा भी उसकी उतनी ही हो। फिर सर जो हमारे पहले वाले जो प्रोविजन थे ना लॉ के, या जो क्राइम रेट के, उसमें हमारा जेंडर इक्वालिटी नहीं था। जो अब जो नए प्रोविजंस आए हैं वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। अगर बात की जाए कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके लिए सज़ा सेम ही है। अगर बात की जाए जैसे अगर कोई फॉल्स होप्स देकर, या फॉल्स बोलता है कि हम नौकरी दिलवाएंगे या शादी करेंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ करता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो अगर मुझे लगता है कि वो लड़कियों के लिए प्रोविजन है कि लड़कों को सज़ा मिलेगी, लड़कों को पेनल्टीज़ मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि वो लड़कों के लिए भी होना चाहिए कि अगर कोई लड़की उनसे झूठा वादा कर रही है और झूठा वादा करके उनका इस्तेमाल करके छोड़ रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। और रही बात जैसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके लिए दोनों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए सेम है। तो मतलब वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर ही रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी होगी, जो उनके लिए है वो इनके लिए भी है। मुझे किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का दिवस और महिलाओं का दिन हर साल आता है, परिवर्तन की भी लोग बात करते हैं, लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश की केवल एक प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री रही है। हम अपने देश की बात करें तो राष्ट्रपति भी दो, प्रतिभा पाटिल और उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू हैं। इसी तरीके से अगर हम सेना की बात करें, पुलिस की बात करें, तो पुलिस की DGP महिला देश में, अगर हमारे जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, शायद 2 या 3 या 4 जगहों पर होंगी, बाकी जगहों पर नहीं है। ज़िले की SSP अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है 5 अगस्त 2019 के बाद, कि अब ज़िले में SSP महिला लग रही है। हमने 2019 से पहले महिलाओं को किसी ज़िले की जिम्मेदारी दी जा रही है ऐसा हमने देखा नहीं। और इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का दिवस बड़ा मनाया जाता है, मोमबत्ती भी जलती है वहाँ पर, दिया भी जलता है वहाँ पर, भाषणबाजी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज भी महिलाएँ वहाँ नहीं हैं जहाँ महिलाओं को होना चाहिए। आप क्या कारण मानती हैं? देखिए सर, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, आज भी बड़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ वुमेन एम्पावर्ड ही नहीं है, क्योंकि वुमेन को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, और अगर पता भी होता है वो उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं कि हमारे जैसे पॉलिटिक्स में 33% रिजर्वेशन हुई है वुमेन्स के लिए, तो मुझे लगता है हर फील्ड में अगर हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है तो वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। साल 2029 में लागू होने जा रही है, अभी तो होगी नहीं बोला फिलहाल। फिलहाल तो सेंसिस होगा, फिर सेंसिस के बाद दोबारा से सारा कुछ होगा, तो वो तो बाद में लागू। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब महिलाएं जितना जो पोटेंशियल महिलाओं में है उस पोटेंशियल के मुताबिक तो महिलाओं को USA में भी कुछ नहीं मिल रहा। यानी आज तक US जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 400 साल पहले जहां लोकतंत्र आया, जो आज भी गाना ढोल बजाता है पूरी दुनिया में कि हमारा लोकतंत्र ये और हमारा लोकतंत्र वो, आज तक महिला राष्ट्रपति वहां नहीं आ सकी। तो इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर महिलाएं दुनिया की इतनी फील्डों में इतनी आगे निकल चुकी हैं, तो फिर जो स्थान इनको
उन बड़ी इकोनॉमीज में या बड़ी डेमोक्रेसीज में, बड़े लोकतंत्रों में मिलना चाहिए था, वो वहाँ भी नहीं मिल रहा। कारण क्या है सर? कारण ये, हमारी सोच जो है ना, हमारी सोच को बदलने का अभी टाइम है। हमारी रिफॉर्म लाना बड़ा आसान होता है, लेकिन रेवोल्यूशन लाना उतना ही मुश्किल होता है। लोग सोचते हैं ये लड़की है तो क्या कर सकती है, आप अपॉर्चुनिटी दोगे या उस पर विश्वास करोगे या उसको विंग्स प्रोवाइड करोगे या सपोर्ट करोगे तो वो क्या, कुछ नहीं कर सकती। बस ये हमारी सोच में है कि ये लड़की है तो ये कुछ नहीं कर पर सकती। चलिए, हमारी तो हिंदुस्तानियों की सोच है, वो तो अंग्रेज़ हमें कहते हैं भाई आप तो बड़े पुराने लोग हो, आप धार्मिक लोग हो, धर्म को मानने वाले लोग हो, आपके धर्म ने आपको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वेस्ट में तो ऐसा नहीं, वेस्ट तो कहता है कि भाई हमारी डेमोक्रेसी जो आइडियल डेमोक्रेसी है, वहां तो महिलाएं सशक्त हुई पता नहीं कितने सौ साल पहले, तो सशक्त जगहों पर भी महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं। इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कारण क्या है सर? कारण तो मुझे यही लगता है कि हमारी जो सोच है ना उसको बदलने का है, कि जो लड़की है ना, यानी आप मानती पूरे विश्व भर में सोच ही है, जो सोच ही है जो लड़की को आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर जो चीज लड़का कर सकता है वो लड़की क्यों नहीं कर सकती है? अगर हम बात करें पुरानी हिस्ट्री की, जब हमारी वोटिंग राइट्स की बात आई थी तब भी एनी बेसेंट ने ही बात की थी और तब उन्होंने ही मुद्दा उठाया था इस बारे में कि वोटिंग राइट्स हमारी औरतों को भी मिलना चाहिए। अगर उन्होंने मुद्दा उठाया तो आज हमें वोटिंग राइट्स मिले हैं। और वैसे अगर आज हम मुद्दा उठाएंगे कि हमें इक्वालिटी चाहिए हर चीज़ में, जहां मर्द हैं वहां हमें भी लगना है, वहां हमें भी जाना है, तो मुझे लगता है कि तब तक आने वाले 5 सालों में वहां पे भी प्रोविजंस बन जाएंगे और हर जगह औरत भी होगी, हर जगह औरत भी दिखेगी। फिर तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो, अगर हिस्ट्री में ऐसा हो सकता है तो हमारे प्रेजेंट में क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अगर हम प्रेजेंट में ऐसा करेंगे ना तो ही हमारे फ्यूचर में मुझे लगता है चेंजेस आने की ज़रूरत है। जैसे इस साल का हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे का जो थीम है वो है इंक्लूजन ऑफ वुमेन, कि मतलब वुमेन को वैसे इंक्लूड करना चाहिए सोसाइटी में कि उनको लगे कि हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना या जो हमारी अचीवमेंट्स है वो सोसाइटी के लिए है और हमें भी वैसे ही इक्वालिटी दी जा रही है जैसे एक मर्द को दी जा रही है। तो मतलब वुमेन भी आज वही चाहती है पर उसको मौका चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जब हमारी सोच बदलेगी ना तो देश भी बदलेगा और वुमेन के लिए भी प्रोविजन लाया जाएगा और रिफॉर्म भी आएगा, रेवोल्यूशन भी आएगा। और औरत और मर्द, जैसे मैं बोलती हूँ, गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं जिनको हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है, वैसे ही हाथ में हाथ मिलाकर अगर आगे बढ़ेंगे ना तो ही हमारी कंट्री में प्रोग्रेस होगी और कंट्री की जो हमारी, आप मान लीजिए जो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन है या कंट्री में कोई भी ग्रोथ है वो बहुत स्पीडी से होगी अगर हम औरत का भी हाथ पकड़ के आगे चलाएंगे। तो आप मतलब कह रही हैं कि औरत का हाथ पकड़ना ज़रूरी है, मतलब उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है ना, उनको आगे लाना ज़रूरी है ना, उनको वो करना चाहती है, उनको प्लेटफॉर्म तो दो, उनको क्रिटिसाइज़ मत करो ना, ये मत सोचो ना कि वो लड़की है तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकती है, उसको अपॉर्चुनिटी तो दो। रिजर्वेशंस अगर आपने हर चीज़ में बनाई है तो इसमें भी बनाओ ना। औरतें क्या होती हैं, अगर बोलेंगी भी ना तो उसको चुप करा दिया जाएगा, औरत है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जो हमारी जनरेशन है ना, अगर वो नहीं ना सोचेगी कि आज चेंज आना चाहिए तो मुझे लगता है फिर वो कभी भी नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना एडवोकेट उमा कपाही, इनका इन्होंने ये कहा कि सोच और विचार बदलने की ज़रूरत है, महिलाओं को हर मैदान में मौका देने की ज़रूरत है, तभी जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप महिलाओं का दिन मनाएं या महिलाओं की एम्पावरमेंट की, महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, ये तब तक संभव नहीं है जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये कहना है एडवोकेट उमा कपाही का।